नमस्कार, मेरे साथ एक और जुड़ी हैं महिला डेरा सच्चा सौदा के गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा की एक अनुयायी। आप इनकी टी शर्ट को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये भी अपने गुरु जी को आज भी बहुत मानते हैं। तो बिना कुछ इंट्रो दिए डायरेक्ट इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या है डेरा सच्चा सौदा। कहाँ से आई हैं आप? बिलासपुर जिला मोगा से जी। नाम बताएंगी आप अपना? गुरजीत इंसा। कितने साल हो गए आपको डेरा सच्चा सौदा? 50। 50 साल हो चुके हैं इनको करीबन। इनकी आधी उम्र तो डेरा सच्चा सौदा में ही आकर गुजर चुकी हैं। तो आप कुछ बताएंगे कि डेरा सच्चा सौदा में इन 50 सालों में कभी कुछ गलत होते देखा हो? एक बार भी नहीं गलत देखा जी। क्या है डेरा सच्चा सौदा, क्या करता है? सच्चा सौदा भलाई का दरबार है, हर एक की भलाई करता। वो जंत स्वर्ग लेना चाहता दुनिया से, पर जो बुराई के नुमिंदे है वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे जी। तो क्या सिखाते हैं आपके गुरुजी आप सब को, जो आज भी आप यहाँ पर आए? हमारे गुरुजी जी कहते हैं भुखे को खाना खुआओ, प्यासे को पानी पियाओ, किसी का मकान नहीं उसका मकान बना के दे दो, किसी की शादी बेटी की नहीं कर सकता उसकी शादी करवा दो, किसी के बच्चे पढ़ने पा नहीं रहे उसके बच्चे पढ़ा दो जी। अगर साढ़ा गुरु ये सिखाता है भी सबका भला होना चाहिए, कोई दुखिया नहीं होना चाहिए, कोई साढ़े दो बूंदा खून तो बगैर किसी की जान जा रही है, तो साढ़े गुरु ये सिखाते हैं जी उसको खून दे के उसकी जिंदगी बचानी है। काबिले तारीफ है आपके गुरुजी, जो आप सब में इतना जज्बा भरा हुआ है लोगों की सेवा के लिए। तो आप सब भी ये सारी सेवाएं करते हैं, अभी भी करते हैं ये सब? अभी भी करते हैं, आप सेवा की है जी। जी, तो माता जी आप बताएंगे कि ऐसे गुरु की आज समाज को कितनी जरूरत है? आज दे समाज के सामना इस समाज दे विच ऐसे गुरु दी ही जरूरत है, ताही तो जनत स्वर्ग आ सकदा, ऐसे नहीं आ सकदा। डेरा सच्चा सौदा के बारे में लोग कहते हैं यहाँ पर महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हाँ बेटा, डेरा सच्चा सौदे दे मारे वो कह रहे हैं जिन्ना की दुकाना बंद हो रही, अगर नशा बेकरी करते वो ये नशे छुड़वा रहा सच्चा सौदा, वो नशा छोड़ दिता उन्होंने बेकरी काम हो गई, वो भी दुश्मन हो गया सच्चे सौदे का। अगर कोई किसी ने भूत का बहाना बना लिया, भूत काढ ले जेब खाली करती अगले दी, वो भी सच्चा सौदा गल सारा ठीक करी जाता है, वो भी दुश्मन हो गया। अगर बीमारियों से नशियों से मेरा सतगुरु सत दिनों के विच दी एक प्रसाद खुआ के इंसान ते सत दिनों विच दरबार रख के सेवा करवा के 20 साल का नशा 50 साल का नशा मेरा सतगुरु सत्तां दिनों च छुड़ा देंदा। तो इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा में 7 दिन के अंदर चाहे कितने से भी कितने बुरी लत का नशा लगा हो, वो 7 दिन के अंदर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इनसा छुड़वा देते हैं। तो आप में से भी अगर कोई चाहता है नशा छुड़वाना, किसी से परेशान है, तो आप भी यहाँ पर अपने साथ अपने साथी को ला सकते हैं जिनका नशा छुड़वाना है। तो आप बताएंगे कि ऐसे गुरु के आज समाज में एक्टिव ना होने से, आज गुरु जी के सत्संग ना फरमाने से समाज में कोई गलत प्रभाव पड़ा या कुछ कमी आ रही है? कमी देखो जने उसके बच्चे लगन ते चल रहे हैं, उन्होंने वैसे कोई कमी नहीं जी, सब ज्यूंदा त्यों हो रहा, उस तो बद चढ़ के हो रहा, सारा कुछ हो रहा, मतलब ऐसा नहीं है जो सतगुरु तो सारा कुछ पा बैठे प्राप्त कर बैठे आ, वो इसका पल्ला नहीं छड़नगे, कोई कुछ भी कहता रहे कोई कुछ भी ना कहे, किसी की परवाह नहीं है। सानू इतों सारा कुछ मिलिया, भुख्या मरदियां सानू अज रजमी रोटी मिल रही है, बिना औलाद तो मैनू तो औलाद मिली है, मेरे बच्चे चार सी चारे मर गए सी, मेरे को कुछ नहीं सी, मैनू इन्हों ने यह भी कह दिता बेटा तेरे तो उही सी चार कर्मा सी जिहड़े चले गए, अगर आज मेरिया अखा का पानी मेरे सतगुरु ने बर्दाश्त नहीं करया, फिर मैनू कहन लगे बेटा दिल ना थोड़ा कर तेनू किवें भी देवे, 9 महीने बाद मेरे घर बच्चे ने जन्म ले लिया जी। बहुत बहुत काबिले तारीफ है आपके गुरुजी, और सच में लाजवाब हैं आप सब, जितने करिश्मे होते हैं आप सबके साथ। क्या कहना चाहेंगे आज सरकार से, क्या अपील करना चाहेंगी? सरकार को मेरी अपील हाथ जोड़ के हैगी आ भाई, ओ सरकार नू ए कदम चुकना चाहिए, हर एक का भला होना चाहिए, समाज के लिए अच्छे अच्छे कार्य होने चाहिए, सब नू भुखे नू सरकार वनियों भी सारी सहूलत मिलनी चाहिए आ, रुजगार भी मिलना चाहिए, भले कम होने चाहिए, आखिर वो रुक ना सका सो साथ देन साडा सच्चे सौदे दा, सरकार साथ देवे कि जे जिहड़ी दुनिया ते जंत स्वर्ग आ जावे जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। डेरा सच्चा सौदा के बारे में आपने सुना इन महिला से कि क्या है डेरा सच्चा सौदा और क्या सिखाते हैं इनके गुरु जी। इनका कहना है कि डेरा सच्चा सौदा में लगातार आज भी खून चर की ज़रूरत है तो खून दान किया जाता है, किसी को अन्न चाहिए तो अन्न यहाँ पर दिया जाता है, हर महीने यहाँ पर लोगों को राशन भी बांटा जाता है, हर तरह की ज़रूरत यहाँ पर, हर तरह के प्रयास हैं कि लोगों की मदद किस तरह से करी जाए। और जैसा कि
इनके गुरुजी ने इनको 134 मानवता के भलाई के कार्य करने सिखाए हैं, ये आज भी लोग उन्हीं कार्यों को करने में लगे हुए हैं।